नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के दो थाना क्षेत्रों में रहने वाले नाबालिग बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यह दोनों बच्चे इंदौर से सोमवार से लापता थे। सोमवार से लापता इंदौर के दो संपन्न परिवारों के बच्चे लापता थे, जिनकी गुमशुदगी इंदौर के MIG थाना और तुकोगंज थाने में दर्ज थी। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग टीमें गठित करके विभिन्न राज्यों में भेजा था। इंदौर के एक पुलिस टीम चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई थी, जहां मनाली के पास से दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है। इंदौर के IG श्री हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पिछले चार दिनों से इन बच्चों की तलाश की जा रही थी और यह बच्चे चंडीगढ़ मनाली के बीच रास्ते में सफर करते हुए मिले, जहां से इंदौर पुलिस की टीम ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। इंदौर लाने के बाद इन बच्चों से पूछताछ की जाएगी। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में पुलिस ने हमेशा संवेदनशीलता और तत्परता से काम किया है। इस बारे में दो दिन पूर्व इंदौर के MIG थाने में एक शिकायत आई थी, जिसमें दो अलग अलग बच्चों के दो थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों नाबालिग थे। बच्ची की, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, MIG थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और बच्चे का तुकोगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें अलग अलग शहरों में टीमें रवाना की। इसमें भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली और अंततः मनाली में पुलिस की टीमें पहुँची। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने तलाश की। अंततः दोनों को एक साथ लगभग चंडीगढ़ से दिल्ली आते हुए मनाली से वापस लौटते हुए उन्हें रास्ते में पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। उनके परिजनों को सौंपा गया है, साथ में पुलिस भी आ रही है। और मुख्य तौर पर ऐसे मामलों में कई बार अपरिपक्वता के कारण, कई बार जानकारी के अभाव के कारण और कई बार एक भयवश कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस ने तत्परता से दोनों को ढूंढ के परिजनों को सौंप दिया है और यह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। अभी आने के बाद उसमें विस्तार से जानकारी लगेगी। बहरहाल पिछले दो तीन दिनों से जो जानकारी थी, पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग शहरों में पुलिस की टीमें काम कर रही थी, चाहे भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली और मनाली जैसे अलग अलग जगहों पे पुलिस की टीमों ने लगातार इसके लिए प्रयास किया और अंततः पुलिस की मेहनत और प्रयास रंग लाई और दोनों को वापस आज घर लाया जा रहा है। सर, किसी प्रकार की इनाम की कोई घोषणा पुलिस टीम को? हाँ, इसमें जिस टीम ने पकड़ा है उन्हें लगभग 10,000 रुपये का इसमें इनाम से पुरस्कृत किया गया। सर, भी रुके थे या मतलब बाय ट्रेवल थे? विस्तार से जानकारी उनके आने के बाद होगी, चूँकि प्राथमिक तौर पर निश्चित तौर पर ऐसे में घबराहट भी होती है और बच्चे आशंकित भी रहते हैं, आशंका से भी भर रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा पूछताछ उसमें नहीं की गई है। उनके घर में आने के बाद, सामान होने के बाद उनके परिजनों को चूंकि सौंपा जा चुका है, उसके बाद पुलिस उसमें और जानकारी निकालेगी। बहरहाल दोनों के बयान होंगे और बयान के बाद फिर आगे उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसकी दिशा तय होगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब